नमस्कार आमर विशेष उपस्थापना प्रतिशोध राजनीति को स्वागत करछि मुनलीमा। प्रतिशोध राजनीति एथि पाई का जे जुबली बापरे गोपालपुर विधायक प्रदीप पाणिग्राही को मामला को नै जुबली बापरे हटचमट सृष्टि होइतला राजनीति रे। एवं आज जदि आमे देखिबा जुबली बापरे विजिलेंस को एक प्रकार झटका लागिछि, कारण लोकायुक्त को आदेश जो रहितला ता हाईकोर्ट रे खारज होइ जाइछि। एवं तदंत पूर्वरु दुर्नीतिर प्रमाण रहितबा जो बेन कहुला भिजिलेंस पक्षर ता बेन बोली हाईकोर्ट कहते, तेणु कोर्ट ना कोर्ट एमती चर्चा होउछि कि जो सरकार सांविधानिक अनुष्ठान गुड़ी को निजर राजनैतिक प्रतिशोध नापी निजर राजनैतिक आल रखी व्यवहार करुवा जहाँ विरोध होता जहाँ अभियोग आसाला ता कोर्ट ना कोर्ट प्रमाण होता है चर्चा होने प्रसंग में आम आलोचना करवा। आम साथ आलोचना रही कल्पना पट्टनायक आईनजीवी रही आम साथ कांग्रेस नेता सुदर्शन दास रही आप दुही को स्वागत कर आलोचना को। प्रथम सीत दास आपको तो आलोचना जी कि आईनजीवी भाव में कल्पना मैडम आपको जीवाई चाहिए हाईकोर्ट को ये जो आज जो राय आज जो आदेश केते गुरुत्व रखुचे, कारण विजिलेंस जो पक्षभुक्त विजिलेंस जो निजे मामला दायर कर बड़ कथा कि निजे जेहतु पक्ष रही सी ये घटनार तदंत करना लोकायुक्त जो रही निर्देश रही हाईकोर्ट आज रद्द करदे। तो आप जो आईनजीवी ये मामला संपर्क आम सविशेष भाव में बुझापी चाहूँ कि कौ आधार लोकायुक्त जो निर्देश रही हाईकोर्ट खारज करदे। अज्ञा एटी आमर लॉ होची जे विजिलेंस जहाँ को इनफॉर्मेट है जी थी सतीपाय एज पर लॉ जे जे एफआईआर दबो जे विजिलेंस एटी इनफॉर्मेट अछि सो दैट सतीपाय एटी की कारण भी आयो इन दैट केस सो दैट मान्यवर हाईकोर्ट जहाँ राय दे छली सेटा ठीक दे छली, कारण हम लॉ अनुसार एटा ही ठीक किंतु आपण राजनीति की जदि आसवे ताले एठी राज्य सरकार निश्चित भाव जाणी शुणी की दायित्व देखते आम राजनीति के पचर जा कल्पना मैडम आम आग आलोचना करवा आईन हिसाब से कि जो भाई भाव में जेहेतु विजिलेंस निजे हूँ आवेदनकारी तेणु से घटनार तदंत करना तेणु जो लोकायुक्त जो निर्देश रही है तेल लोकायुक्त कौ आधार निर्देश देते हैं लोकायुक्त तो से गठन कर दुर्नीति विरोध में जहाँ भी आसो तार सठिक भाव से तदंत करेंगे और सठिक भाव में दंड विधान हो तेणु एक क्षेत्र में जो लोकायुक्त निर्देश रही है कौन किसी पक्षपातिता होपर कि निश्चित भाव में लोकायत भी जानवा दरकार इनफर्मेट अच्छी से केस रे केमती आयो हो पारे सो दैट लोकायत भी जानवा दरकार जहाँ कहूँ ल अनुसार तो केस टा इन्वेस्टिगेशन हम ना कि तो क्लीयर देखा जाए विजिलेंस हूँ इनफर्मेट आमती आप आयो कही इन्वेस्टिगेशन ठीक भाव में हो पार कि कोर्ट अनुभव कर जहाँ फल लोकायत जो जिनसा को आनी फुल भूल निर्देश दे आपण तो जन आईनजीवी आपण मते अनेक घटना ये भाव में देखिथे ये घटना को आपण के मानते अति पाखु देखा गले आपरे कौन जेहेतु हाईकोर्ट यू निर्देश को लोकायुक्त खारज कर देखते आपरे कौन रही बाट देखते ये खारज कर ल अनुसार खारज कर प्रकार पक्षपातिता करा जाएनी जहाँ डिसीज मान्यवर हाईकोर्ट जहाँ डिसीजन नहीं पूरा प्रॉपर वे रे नहीं डिसीजन कहीं आप प्रथम जहाँ कही विजिलेंस इनफर्मेट सी आयो नहीं पार्बनी तापर लोकायत तार कौन से स्टैंड रखुची से आम परवर्त मुहूर्त में अफेक्ट कोर्ट को जीवे कि कौन करेंगे। ठीक अच्छे आम विषय आलोचना करवा आम साथ सुदर्शन दास रही कांग्रेस नेता रही सीत दास आपको स्वागत कर आलोचना को। सीत दास अभियोग बारंबार आपंट सरकार विरोध में कि सरकार सबुबले जो सांविधानिक पदवी रही सांविधानिक अनुष्ठान रही निजर उद्देश्य पूरण करने सबुबले व्यवहार कर आसना कौटी आज जो घटना ये विजिलेंस को झटका लगी हाईकोर्ट राय पर आपण को कमी देखुं देखु लोकायुक्त हूँ गोटे सेमी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन तांकर जो निर्देश तांकर जो ऑर्डर ताकु हाईकोर्ट रद्द करिबा ये निश्चित भाव मु कहिबी लोकायुक्त जो अनुष्ठान ए अनुष्ठान रो इंटीग्रिटी को गोटे बड़ प्रश्नवाची सृष्टि करते जानते नीलिमा जिते मु गली लोकायुक्त को कोविड समय रे जो जो मास्क जो ये पीपी किट व
बा आरटीपीसीआर में आम पुणे जोगाजोग करवा सुदर्शन दास सहित तेज घटनाटी आपको पुणि थे कही रखुच्छे लोकायुक्त आदेश जेहेतु हाइकोर्टे खारज हो जाइंट सुत दास मत अनुजाई लोकायुक्त इंटिग्रिटी उपर मत गोटे विराट बड़ प्रश्नवाची सृष्टि होती आम से बर्तमान जोड़ी आईनजीवी पार्थसारथी नायक सुत नायक आपको स्वागत कर आलोचना सुत नायक आज घटना को आपड़ केमी देखुं देखो लोकायुक्त निजे एमती गोटे मान इंडिपेडे बड़ी कह गले सरकार को जो प्रकार दुर्नीति आसव लोकायुक्त तार भिजिलेंस करेंगे और जो दुर्नीति विरोध में जहाँ कार्यानुष्ठान नवा कथा से भाव में करेंगे कि प्रदीप पाणिग्राही केस जहाँ भी होती कि निजे भिजिलेंस जेहेतु रही आवेदनकारी से घटनार तदंत करना कथा हाइकोर्ट को गलापर हाइकोर्ट ये राय देखते तेनाली प्रश्न उठू लोकायुक्त कौन निजे एक जाणी नथिले कि ना जाणी बुझी निर्देश देते देखो आजिकार जो मान्यवर हाइकोर्ट जो अर्डर प्रदान कले स्पष्ट प्रमाणित हो गला ये जो लोकायुक्त जहाँ पर लोक मान भरोसा रही गोटे इंडिपेंडेंट एजेंसी सरकार कौन चाकर व्रतपत्ति हो कार्य करना आज हाइकोर्ट रर्डर फल प्रमाणित हो गला लोकायुक्त राज्य सरकार हाथ बारिश कार्य करोटे निंदन कथा लोकायुक्त जो गारिमा अच्छी यही केस रे लोकायुक्त गारिमा क्षुण्ण होजिलांस सभी प्राणी भाई केस रे ठीक समय चार्जशीट दे पारा ना यह प्रमाणित करजिलांस पारा पड़ा आमर अनेक समय आम भिजिलांस को बाहवा दे था भिजिलांस भल कम करजिलांस ठीक समय चार्जशीट दे पारानी आ लोकायुक्त जो प्रकार निर्देश देते भिजिलांस को तदंत करने हाइकोर्ट अर्डर प्रमाणित करदे सरकार हाथ बारिश में भिजिलांस लोकायुक्त सबू चल अर्थात कोर्ट ना कोर्ट जो अभियोग सत बोली जहाँ आप प्रतिक्रिया कहते आम साथ जोड़ी पुणि थे सुदर्शन दास जोड़ी सुत दास आप जहाँ कहते कि पूर्व आप लोकायुक्त द्वारस्थ होते मास्क किणा हो पीपी किट किणा हो से नहीं लोकायुक्त द्वारस्थ होते कि घटन भी कौन कार्यानुष्ठान निगला आज पर्यटन तार तथ्य सामना को आसला ना कि बड़ कथ हो प्रदीप पाणिग्राही केस्रे जहाँ भी होती आपड़ जहाँ कहते कि लोकायुक्त इंटिग्रिटी को नहीं मतलब गोटे विराट बड़ प्रश्न सृष्टि होतु दास ये गोटे कथ आप लोकायुक्त जहाँ कहते गोटे सेमी जुडिशियल बॉडी से कौन आईन विषय अज्ञ रही कि से कौन जानी ना जी आवेदन करी से केवे भी घटना तदंत करी परिबो नाही नीलिमा से कथा ना मुझे कहूली मोर जो केस एवं सही केस एवं ए जो वर्तमान जो प्रदीप पाणिग्राही केस एवं पढ़ुली जो पिटिशन जो हाइकोर्ट दाखल कराई से पिटिशन ने मो केस को मध्य रेफर कराई मुझेपाई मो कैसटा को मुझे उत्थापित करुच्चे जिते मुझे लोकायुक्त को लोकायुक्त मोर अभिजोग जहाँ जहाँ नाँ थिला डाकिले तीन चार थर डाक सारापर लास्ट रे विजिलेंस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ऑर्डर दले एठी जो प्रदीप पाणिग्राही केस रे कथाटा उल्टा कौन उल्टा ना प्रथम विजिलेंस जाकि कम्प्लेन कला लोकायुक्त पाखे जे यहाँ नाँ आलिगेसन अच्छी आलिगेसन जो अच्छी जो कहले कम्प्लेन कम्प्लेन पिटिशन लोकायुक्त पुणी निर्देश देले क्या विजिलेंस को जे तुम्हें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर ता अर्थ हूँ देखिए आपर टा पढ़ुली लोकायुक्त से अर्डर रे विजिलेंस जी कम्प्लेन करुच्ची आउ थे कहते तुम्हें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर जदि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करिया पई कहउचंती तबे जो कथाटा प्रथमे से माने देले उपस्थापित करिछि विजिलेंस रो डीएसपी जो विजिलेंस उपस्थापित करउचंती ता माने ताकु तमे ग्रहण करू आ विरुद्ध रे आसिला माने ये कंप्लेन आसिछि पदी पाणि पाणिग्राही को सुनिबार मौका देल ताटु किछि सुनिलो कि
आम पुणि थे जोजोग कर सीत दास सहित जहाँ से कहते कि गोटे प्रकार प्रश्नवाची सृष्टि बर्तमान लोकायुक्त कार्यधारा को नहीं कारण एमती तो सब अभोग आए कि सरकार हाथ बारिश माने सरकार जहाँ चाहूँ ता क्राइम ब्रांच विजिलेंस होध्यम निजर राग सुझाऊँच अनेक समय अनेक केस देखा मिले खासकर प्रदीप पाणिग्राही केस्रे मैं अनेक प्रकार चर्चा होता है विरोधी या प्रश्न सृष्टि करते सरकार कोठगड़ा को टाणी सरकार कोनेक प्रकार ताछल्य करते कि आज जो घटना घटला विजिलेंस एवं क्राइम ब्रांच पर प्रश्न उठी कि लोकायुक्त को सरकार कौन मिसयूज करुँचे सरकार जो सांविधानिक अनुष्ठान रही सरकार भी चाप पकई पारती कि सरकार जहाँ चाहिए तापारे एने प्रश्न उठी आम से कल्पना पट्टनायक जोड़ी रही आईनजीवी मैडम आप आलोचना करलु कि लोकायुक्त प्रश्नवाची सृष्टि होती लोकायुक्त जहाँ आम कौचे जड़े इंडिपेंडेंट बेडी बड़ी कह गए गोटे प्रकार सेमी जुडिशियल रही था मानते जस्टिस दे पारती तेना आज जस्टिस प्रश्न उठी निश्चिंत भाव देखते प्रदीप पाणिग्राही जो आलिगेशन अच्छी ठीक भाव तर्जमा करवा तर्जमा कला जो लोकायत जो आदेश देते जे विजिलेंस को इन्वेस्टिगेशन करा जाउ काहे किंतु करा जाई पारिबनि कोन पय ना सी होची इन्फॉर्मेंट जोटी विजिलेंस इन्फॉर्मेंट अच्छी एवं आईओ ताको केमिति भाबरे लोकायत रे ऑर्डर दिया हला जे इन्वेस्टिगेशन पय तले एटी क्वेश्चन आपण मानक मनरे जे ताले मैडम लोकायुक्त तो निरपेक्ष नहंती पक्ष पक्षभुक्त होई जाउछंती लागु छी कि सेमती ठीक भाव देखा तरबरिया भाव तो कहीं गोटे जो क्राइम विजिलेंस जो भाया भाव इनवॉल्व रही सब केस आईओ अच्छी सेठी से केमिति भाबरे इन्वेस्टिगेशन करि परिबो एटा तो लोकायत भी भल भाव अनुभव करछन्दि निश्चिंत भाबरे एई सही करे तरबरिया करछन्दि कि प्रेशर पडिछि कोठी ना कोठी तो निश्चिंत भाबरे भूल अछि से गोटे गोटे मैडम देखंतु एते बड़ दुर्नीति कथा जोठी उठिला एपर्त चार्जसीट दाखल कर पार्लानी जो पाठक बापू को जमीन भी मिलला गोटेपटे अनेपटे जितने प्रदीप पाणिग्राही इश्यू आसला जितने गिरफ्त करागला सेमती भी कथ कहगला कि सरकार जो राजनीतिक आक्रोश रही थी प्रदीप पाणिग्राही टार्गेट थे कि मोहरा होते पाठक आकाश पाठक मान अभय पाठक होते मोहरा तेणु कहवाक गले जो राजनैतिक जो आक्रोश रही सरकार जो पूर्ण करने जो करागला विजिलेंस क्राइम ब्रांच को जो भाई यूज करागला एथर भी बात पड़नी लोकायुक्त कि लोकायुक्त तो गोटे जो संविधानिक अनुष्ठान तार मिसयूटिलाइज हो कारण हाईकोर्ट रो जो जुरिस्डिक्शन पावर टा अच्छी जो भाया डिस्क्रिमिनेशन पावर टा अच्छी प्रेसराइज करके मोटिवेट करूछंती कहीं आमर मान्यवर हाईकोर्ट जो राय देखते सम्मान देवा कि लोकायत जो कम कर सम्मान दे पारिबुनु काहेकि ना से जानी सुनिकी जदि एभलिया भूल करिवे तांता निश्चिंत भाबरे आंसर बो लेबे आइदर से जानी सुनि करिसेंदि कि गवर्नमेंट रे प्रेशराइज रे करतेंदि आ जदि शासक दल रे छाईकि जदि मंत्री विधायक माने एभलिया क्राइम भितरे दिनकु दिन गड़ी चलिबे संख्या ताले एथि लोक इंसाफ पाइबे केमि जेति कोन पई जुडिशियल को लोक एते भरोसा करके रही चंदी ताले लोकायुक्त को नेके अपन कोन कहबे आजिर जो हाईकोर्ट को निर्देश तार प्रभाव केते अपन देखु चंदी प्रभाव बहुत जोर पड़ी छगे काहे ना लोकायुक्त रो एबोलिया माइनर भूल हबोनी केबे हेले आ ताकु से निजे तर्जमा करिवे जदी से जिंस को काहे कि से देई चंदी से भी आंसर बुलेबे सोसाइटी पई भी आंसर बुलेबे बिल्कुल प्रभाव प्रभाव पड़ो एवं जहाँ लोकों जो भरोसा रही है गोटे लोकायुक्त से भरोसा उपर प्रश्नवाची सृष्टि होती सीता दास आम साथ पुणि थे जोड़ सीता दास आज हाईकोर्ट को निर्देश को आपड़ केमी देखुं कारण जहाँ कह जाता कि जो राजनैतिक अभिसंधि रही है जो राजनैतिक आक्रोश रही प्रदीप पाणिग्राही विरोध में सरकार तेणु जो से ही राजनैतिक आक्रोश को प्रशमित करने जहाँ जहाँ सब घटनावल रचा जाता है आज जो हाईकोर्ट को निर्देश पर लगुच कि जमी सरकार प्रेसर पक चाप देखो दु तीन टी जिन आज हाईकोर्ट मानव हाईकोर्ट जो राय से परिप्रकाश हो
ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଯାହା ମୁଁ କହିଲି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ କିଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ହାଇକୋର୍ଟରେ ରଦ୍ଦ ହେଲା ତ ତା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର ତାହା ଆଇନସମ୍ମତ ନୁହଁ ବା ତାହା ଆଇନର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପରିସର ସବୁ ଅଛି ବା ସବୁ କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଆଇନର ଯେଉଁ ସବୁ କ୍ଲଜ୍ ଅଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଆଇନକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି ଯେ ସରକାର ଆଇନକୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିନାହାନ୍ତି କି ଯିଏ ଆଇନ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆଇନକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ସରକାର କଥା ମୁଁ କହୁନି ସରକାର କଥା ମୁଁ କହିଲିନି ମୁଁ କହିଲି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଜନମାନସରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେଇଛି ଯେ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚା ହେଇଛି ବୋଲି ଏବଂ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚିଛି କିଏ ନା ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଆଜିର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଅର୍ଡ଼ର ସେଇ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣାକୁ ଆହୁରି ବଳବତ୍ତର କରେଇଲା ଯେ ହଁ ଯେଉଁ ଧରଣରେ ଏ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କେସ୍କୁ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ତାକୁ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ନେଇଛି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଗଲତ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଏଇ କଥାଟା ଆଜିର ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ରାୟରେ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯାହା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ ସେମି ଜୁଡିସିଆରି ବଡି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯଦି ଏକଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏଭଳି ମାନେ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେମିତି ଯେଉଁଟା କି ଖାରଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଆଉ ଯେଉଁଟା ଖାରଜ ବି ହେଲା ତେଣୁ ଏଇଠି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହାଇକୋର୍ଟ ଖାରଜ କଲେ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ତ ଆଇନ ବିଶାରଦ ନୁହଁ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି କଥା ଥାଇପାରେ ଗୋଟେ କଥା ଯାହା କଳ୍ପନା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଲୋକାୟୁକ୍ତ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଦିଗଟାକୁ ନ ଦେଖିକି କେମିତି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବା ଯିଏ ପିଟିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଟିସନର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେମିତି ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବେ ଏଇ କଥାଟାକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କରିଦେଲେ କି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛନ୍ତି କି ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆସୁ ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ କଥା ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁ ରାୟ ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍ଥାପିତ କରୁଛି ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ କି ତରବରିଆ କଥା ସରକାର ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା କରିଦେଲେ ତେଣୁ ସରକାର ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ସନ୍ଦେହ ନଅଛନ୍ତି କି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି କି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା କଥା ତ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗଠନ ତାହେଲେ ହେଇଛି କାହିଁକି ଯଦି ଏଭଳି ଚାପର ଶିକାର ହେବେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତାହେଲେ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ତିଆରି ହେଇଛି କାହିଁକି ଗଠନ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଗୋଟେ ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କି ଯେଉଁ ହାଇ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଯେଉଁ କରପ୍ସନ୍ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବା ଗୋଟେ ବିଚାରର ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଠନ କରାହେଇଥିଲା ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ବଳରେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ତାର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତାର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନିଂରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ତାର ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ୟା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଆଦୌ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ହେଉ ବା ଦେଶ ପାଇଁ ହେଉ କେବେ ହେଲେ ଏଇଟା ଶୁଭଙ୍କର ନୁହଁ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ଘଟେ ଯେମିତି ଘଟିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ମାନ୍ୟବର ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଏବଂ ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟ ତାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦେଲେ ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଯଦି ଘଟେ ତେବେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଉପରେ ବା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଉପରେ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସଟା ତୁଟିଯିବ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଗଲେ ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ତାହା ହରେଇ ବସିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଲୋକାୟୁକ୍ତକୁ ଗଠନ କରିବା ବା ଲୋକାୟୁକ୍ତ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବା ଆମେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଯେଉଁଠିକି ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ପରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟେ ତେବେ ତାହା ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଯେଉଁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା
से मर्यादा उपरे बहुत बड़ प्रश्नवाची सृष्टि हे जहाँ आदो शुभंकर नुह या गोटे दिग मु कहवाक चाहे एवं द्वितीय दिग जो कथा आम आलोचना करूँ प्रथम मुझे से मो केसटा उठला जितेबाला लोका मान्यवर लोकायुक्त मान्यवर लोकायुक्त तीन चार थर चार पाँच थर पखापाखि से डाकि प्रतिपक्ष को जो मैंने आई एस अफिसर जो मैंने इनवल्व थे ये जो परचेजिंग मस्केजिंग हो पीपी किट हो अन्य जिन परचेजिंग जो मैंने इनवल्व थे डाकिले शुणा को सुजोग दे मैंने मुझे जो अभियोग था मोर से अभियोग को डिफेंड करने सरकार प्रमाणित कर जो जहाँ विरुद्ध आलिगेसन ताकु तारो आलिगेसन बात सीए निजी डिफेंड करने ताको सुजोग दबा निहाती दरकार से नेचुरल जस्टिस जो प्रोसेस रे प्रदीप पाणिग्राही केस रे जेते बेले तांको नारे कंप्लेन हैला तांकु से कंप्लेन को डिफेंड करिया प्रदीप पाणिग्राही विरुद्ध में जितेबाला केस है शुणापी सुजोग दि जाए ना जहाँ अभियोग होता तेज जहाँ भी लोकायुक्त आज जो जो निर्देश देते कि विजिलेंस ही तदंत करु से निर्देश को खारज कर दे हाइकोर्ट कारण हाइकोर्ट को कहवा कथा है जे आवेदनकारी से मामलार तदंत करना तेणु आम सहित जोड़ी होती आईनजीवी कल्पना पट्टनायक रही मैडम कौन कहे ये घटना पर जो स्वच्छता लोकायुक्त जो स्वच्छता लोकायुक्त जो भरोसा निश्चित भाव तापर तो गोटे प्रश्नवाची सृष्टि होती सरकार जो कही आस सब कि ल टेक इट्स ओन कोर्स से जो कथा मुख्यमंत्री जो कथा आप लोकों भरोसा आसब तो हेलो समाज भावमूर्ति लोक पाखे भावमूर्ति विगत 20 वर्ष है आईनजीवी रही प्रदीप पाणिग्राही तरफ लड़ुंट वरिष्ठ आईनजीवी पीतांबर आचार्य सहित आचार्य आपको स्वागत कर आलोचना सहित आचार्य हाइकोर्ट कहीं लोकायुक्त निर्देश को खारज कले प्रथम से विषय जाना चाहूँ डिटेल्स जाना चाहूँ कौन है हाइकोर्ट कौन निर्देश देख गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु लोकायुक्त एक न्यायिक तदंतकारी संस्था जैसे आप देखते विजिलेंस की क्राइम ब्रांच की जनरल पुलिस तदंत प्रक्रिया एवं लोकायुक्त पाखरे जो न्यायिक प्रक्रिया व न्यायिक तदंत भी कह संपूर्ण भिन्न लोकायुक्त हूं एक क्वासाई जुडिशियल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी आम जहाँ क्वासाई जुडिशियल अथॉरिटी कह एठी आपण देखंतु गोटे साधारण जे प्रचार करा गला कि मुख्यमंत्री कुआडे गोटे रेफरेंस पठाई लोकायुक्त पाखकु एवं ओडिसार ये कुआडे प्रथम दुर्नीति मकदमा राजनेता विरुद्ध रे एमती अनेक गुड़िए प्रचार करा गला सबुठारु इंटरेस्टिंग कथा एतिरे होउची जे मान्यवर लोकायुक्त ई जण सदस्य होउचंती पूर्वतन विचारपति आमर लॉ आम जहाँ को कहू ये दे आर कैंट बी एन अपील फ्रॉम सीजर टू सीजर्स वाइफ अर्थात ये अभियोगकारी तदंत दायित्व दिजा हूँ गोटे फ्यूटाइल एक्सरसाइज ये जो मुख्यमंत्री रेफरेन्स करा संपूर्ण मिथ्या विजिलेंस विभाग जो डीएसपी हूँ कंप्लेनेंट बा आवेदनकारी ए फनी पार्ट ऑफ द एंटायर एपिसोड आम जो देख लु कौन सी नोटिस जाए कंप्लेन अभियोग भी कंप्लेन कौन कर देख लु जेल रे बंदी कर रखी आउ गोटे मकदमारे सो यही परिस्थिति आम देख लु लोकायुक्त निर्देश फल विजिलेंस पलियान हो जेल रे भी पहुंचलानी पचरा उचरा कर बेसिक ऑर्डर इटसेल्फ इज ए फॉल्टी ऑर्डर
যুক্তি আমি উপস্থাপন করেছি হাইকোর্টে, প্রথম তো হচ্ছে যে তাঁকু শুনানির সুযোগ নদী যেটা কি গোটে নেসেসারি কনকমিটেন্ট অফ আর্টিকল 14 অফ দি কনস্টিটিউশন, যে ন্যায়িক প্রক্রিয়ার ন্যাচুরাল জাস্টিস কু ফলো করাইব, যেকোনো আডজুডিকেটিং অথরিটি ইট ইজ এ সেটল পজিশন অফ ল। সেটি সবুঠ ইন্টারেস্টিং কথা হচ্ছে যে লোকায়ুক্ত ভাল এক ন্যায়িক তদন্তকারী সংস্থা আইন কু ভ্রুক্ষেপ নকরি এবং লোকায়ুক্ত আইনর পরিসর ভিতরে যে তদন্ত করাযিবার প্রক্রিয়া রয়েছে তাকু সম্পূর্ণ ভাবে অবমাননা করে বোধহয় মতো লাগুচি মুখ্যমন্ত্রী কথার বোধহয় প্রভাবিত হয়ে গেলে যে রেফরেন্স শব্দ শুনে, তেমন আজ কমপ্লেন হল 9 তারিখে 11 তারিখ দিন তৎক্ষণাৎ লোকায়ুক্ত ভিজিলান্স কু তদন্ত দায়িত্ব দিয়ে। তাহলে সিদ্ধ আচার্য, আপনার তো আইন কু বহুত ভালো ভাবে অধ্যয়ন করছেন, আর খাস করে প্রদীপ পাণিগ্রাহী রায় এবং হাইকোর্ট নির্দেশ যা আসছে আপনার ডিটেলস মধ্যে তাকে আনালিসিস করছেন, তাহলে এটা সাধারণ প্রশ্ন উঠুনি কি কোন নিজে লোকায়ুক্ত আইন বিষয়ে অজ্ঞ কি এভাবে এভাবে কিছু নির্দেশ দেওয়া পূর্ব লোকায়ুক্ত কোন বিষয়ে অবগত নথিলে কি? সে কথা লোকায়ুক্ত বেটার কই পারিবে, কিন্তু ফান্ডামেন্টাল কোশ্চেন ম্যাডাম দেখুন তো সেই লোকায়ুক্ত তাঁকো পাখরে যে পিপি কিট আর মাস্ক অভিযোগ যেতবে জুন মাসে করা যাইছিল, আপনার মনে থাকবে সুদর্শন দাস আর জন ভদ্রবতী কি কমপ্লেন ফাইল করলে যে এমানে কোটি কোটি টাকা তোষরপাত করে দুর্নীতি করে খাইগলে, লোকে যেতবে ঘরে করোনার সরুছেন ইয়ে সেতবে দুর্নীতি লিপ্ত সেই জন সিনিয়র ব্যুরোক্রাট তা লোকায়ুক্ত পর্যাপ্ত সুযোগ শুনানি সুযোগ ছাস লাগিলা তাঁকু জানি লোকায়ুক্ত আইন বাবদরে অজ্ঞ কি বিজ্ঞ সে কথা সে কে, কিন্তু সে অর্ডর আপনার সে যুক্ত প্রক্রিয়ার তদন্ত প্রক্রিয়ার গতি দেখুন সেটি ছাস লাগিলা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি হব কি না সে নিষ্পত্তি নবাকু লোকায়ুক্ত ছাস লাগিলা, 7 তারিখে ডিসেম্বর 7 তারিখে সেটি ভিজিলান্স কু কহিলে নির্দেশ দেলে তদন্ত করিবা পাই তার রিপোর্ট লম্বা প্রক্রিয়া। প্রদীপ পাণিগ্রাহী বক্তব্য আপনার দেখুন 7 তারিখ দিন প্রচার করা গলা যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কুয়াড়ে রেফরেন্স করলে, এভাবে রেফরেন্স কিছু আজ্ঞা লোকায়ুক্তের ব্যবস্থা নাই আইন, কেবল গোটে কমপ্লেন ফাইল করা যাই পারিব, চিফ মিনিস্টার ইজ অলসো সাবজেক্ট টু দি। তাহলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অভিসন্ধি কহিপারিবা কি? সুত আচ্ছা, যেহেতু আম পাখে সময় বহুত কম রয়েছে, এটা আমি কহিপারিবি কি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক অভিসন্ধি রইতিলা? ইটস এ ম্যালিসাস প্রসিকিউশন, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি নথিং এগেইনস্ট শ্রী পাণিগ্রাহী, ইট ইজ অ্যান আউটকাম অফ পিওর পলিটিক্যাল বন্দেসা অ্যান্ড পার্সোনাল ভেঞ্জেন্স। বহুত বহুত ধন্যবাদ সিদ্ধ আচার্য, আমার সাথে আলোচনা করলে বরিষ্ঠ আইনজীবী পীতাম্বর আচার্য, যে কি এ কেস লড়ুচ্ছেন প্রদীপ পাণিগ্রাহী তরফ, সে যা কহুলে আমার সাথে মধ্যে রয়েছে সুদর্শন দাস রয়েছে কংগ্রেস নেতা রয়েছে কল্পনা পট্টনায়ক আমার সাথে রয়েছে আইনজীবী আলোচনা করলে, মোটামুটি কহবা গেলে লোকায়ুক্তর যে নির্দেশ রয়েছে কি ভিজিলান্স হি তদন্ত করব প্রদীপ পাণিগ্রাহী কেস কু, কিন্তু আজ হাইকোর্ট খারজ করে দিয়েছেন, তেমন হাইকোর্ট খারজ করা পরে প্রশ্ন আপে বি উঠুছি লোকায়ুক্তর যে স্বচ্ছতা রয়েছে তাকে নিয়ে মধ্যে প্রশ্ন উঠুছি, অন্যপটে উঠুছি এনে কম কৌশি তরবরিয়া পদক্ষেপ নিয়ে যাইছি, চাপ পকাইছি কি লোকায়ুক্তঙ্ক উপরে এভাবে নির্দেশ দেওয়া পাই না কোনসি রাজনৈতিক অভিসন্ধি রইতলা সরকারঙ্কর, তো নিশ্চিত ভাবে সময় কই অপেক্ষা পরবর্তী হিসাব পদক্ষেপ হিসাবে কোন নিয়া যাচ্ছে প্রদীপ পাণিগ্রাহী তরফ বা তাঙ্কা আইনজীবী কোন কৌছন্তি তাকু হি অপেক্ষা করিয়া পড়িব, সময় যাইছে স্বতন্ত্র উপস্থাপনা কো এট রাখিবা, নমস্কার।